हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अभी 5G पूरे देश भर में लॉन्च होने जा रहा है और बहुत सारे शहरों में लॉन्च हो चुका है। आज भी राजस्थान के 3 प्रमुख जो नगर हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में लॉन्च हो गया। तो माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं अशोक गहलोत, उन्होंने आज इसका शुरुआत की है। तो आपका जो फ़ोन है वो 5G को सपोर्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए आप एबल कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले आपकी सेटिंग में। मोबाइल को जिस सेटिंग है उस पे जाना है, ओके करना है। और जैसे ही आप मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे तो इसमें देखिए साथियों, मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करना है। और इसमें SIM 1 और SIM 2, आप जिस सिम में अपना जो मोबाइल 5G चलाना चाहते हो या आपका जो दोनों सिम को सपोर्ट करता है 5G, तो दोनों सब में ऑन होगा। अगर आपका एक ही सिम इसमें सपोर्ट करती है तो उसको एक सिम में ही सिलेक्ट करना है। तो मैं जैसे SIM 1 में इसको करता हूँ। तो साथियों, परफेक्ट नेटवर्क टाइप, इसमें क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क है 4G 3G 2G ऑटो कर रखा है आपने, तो इसको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। अगर आपका सपोर्टेड होगा 5G मोबाइल तो वो 5G 4G 3G 2G का ऑप्शन इसमें आएगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर देना है और बैक आ जाना है। ये आपका जो 5G जो सेटिंग है वो इनेबल हो चुकी है। जब भी आप 5G के नेटवर्क कवरेज में जाओगे तो ऑटोमेटिक जो आपका फ़ोन है वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करना प्रारंभ कर लेगा। 5G की स्पीड कितनी होगी वो आने वाले समय में पता चलेगा कि उसकी स्पीड कितनी होगी। फिलहाल अभी तो 5 सेकंड में 4GB की फाइल डाउनलोड हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कितनी स्पीड रहेगी ये 5G शुरू होने के बाद जो मोबाइल में आपके शुरू होगा तभी आप इसका अनुभव ये का लाभ ले सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।